गाइज, आई एम रश्मि, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज रिव्यू अबाउट बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो हनी जेल के लिए। गाइज, जैसे आपको पता है मैं प्रोवाइड करती हूँ बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज रिव्यू फॉर एवरी प्रोडक्ट, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसका नाम है बायो हनी जेल, मीन्स ये बना हुआ है हनी के एक्सट्रैक्ट से। तो गाइज, ये फेस वॉश है बहुत ही सूदिंग। ये क्लेम करते हैं कि ये है फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड ये है एक फोमिंग फेस क्लींजर। तो गाइस, देखते हैं क्या ये अपने क्लेम्स पर सही होता है या नहीं। गाइस, ये हमें मिलता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में, ये इसका आउटर कार्टन है। गाइस, ये फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ लास्ट 1 वीक से। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। गाइस, ये हमें मिलता है एक बॉटल पैकेजिंग में लाइक दिस। गाइज, ये पैकेजिंग बहुत ही क्यूट लगती है, आप देख सकते हैं। गाइज, अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये हमें मिलता है 149 फॉर 120 ml। गाइज, अब बात करते हैं इसकी शेल्फ लाइफ की। इसकी शेल्फ लाइफ होती है फॉर 3 ईयर्स। गाइज, इसको यहाँ से ओपन करते हैं। गाइज, ये जो पैकेजिंग है वो ईजी टू कैरी है, ईजी टू यूज़ है। इसके बाद हम यहाँ पर 1 और 2 ड्रॉप फेस वॉश निकाल लेते हैं। ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में होता है और इसकी फ्रेग्रेंस जो है गाइस वो बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही सूदिंग है, किसी भी तरह की इरिटेशन क्रिएट नहीं करेगी आपको। गाइस, अब बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत खास, जैसे कि इसमें इंक्लूडेड है 1 हल्दी राइजोम, ये एक टाइप की हल्दी होती है गाइस, अर्जुन बाग, नीम बाग, रीटा फ्रूट पल्प, अनानास फ्रूट, मधु मीन्स हनी एंड प्योरीफाइड वाटर। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है हल्दी बहुत अच्छा वर्क करती है हमारी स्किन को क्लींस करने के लिए, हमारे स्किन पर जो मार्क्स हो जाते हैं उनको फेड करने के लिए, हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए। अर्जुन बार्क हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, नीम बार्क हमारी स्किन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है, रीटा फ्रूट पल्प का गाइस यूज़ इसलिए किया गया है ताकि इसमें अच्छा खासा फोम क्रिएट हो सके, बिकॉज़ ये लोग बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं यूज़ करते हैं अपने किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी प्रोडक्ट में, इसलिए वो रीटा फ्रूट पल्प का यूज़ करते हैं। अनानास फ्रूट जो होता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का गाइस, तो वो हमारी स्किन को लाइटन करता है, हमारे फेस को ब्राइट करता है, स्किन को अच्छे से क्लींस करने में हेल्प करता है। मधु यानी कि हनी प्रोवाइड करता है बहुत ही अच्छा खासा मॉइस्चराइजेशन फॉर द नॉर्मल एंड ड्राई स्किन टाइप्स। गाइस, अब बात करते हैं क्या ये जो फेस वॉश है वो ऑल स्किन टाइप सूटेबल है जैसे कि ये क्लेम करते हैं। तो मैं कहूँगी कि नहीं, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ लास्ट 1 वीक से। अब मेरी जो स्किन टाइप है वो है ऑयली एंड पिंपल प्रोन, तो ये मेरे लिए उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। बट इफ़ यू हैव द ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा गाइस। ये ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन वाले लोगों की स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा, हाइड्रेट फील कराएगा उनको और उनके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। यू कैन ट्राई इट गाइज। इसे यूज़ करना है आपको जेंटली मसाज करते हुए मॉर्निंग एंड इवनिंग, 2 बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी फेस वॉश आप दिन में 2 से 3 बार ही यूज़ करें, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो आपके स्किन के मॉइस्चराइजेशन को छीन लेता है, आपकी स्किन ड्राई बना देता है। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन स्टिल तब भी आप यही रूल फॉलो करें गाइज। और ये इसमें शो करते हैं कि ये कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, इसमें एक थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये यूज़ करते हैं, और ये ऑर्गेनिकली प्योर एंड प्रिजर्वेटिव फ्री फॉर्मूला बनाते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड इनके फॉर्मूले होते हैं ताकि आपकी स्किन पर कोई एलर्जी या ब्रेकआउट्स ना हो, और इन्होंने कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं की होती है। ये इसकी सारी पैकेजिंग पे इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। तो गाइज, मेरी तरफ से ये जो फेस वॉश है बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, बट फॉर ओनली ड्राई एंड नॉर्मल स्किन वालों के लिए। गाइज, मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया था ऑनलाइन अमेजोन से। गाइज, अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो फिर मैं लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज़ ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है गाइस, तो आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि बायोटिक एक बहुत फेमस ब्रांड बन चुका है। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हिट करिए बेल बटन को फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। एंड गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ एक डिसलाइक मुझे दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपने ये वीडियो किस वजह से डिसलाइक किया है। थैंक यू, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।